All right, Khawateen aur Saath, welcome to Karakat Show, Pakistan ka number one entertainment show, and this is Bol Entertainment, Pakistan ki number one entertainment screen. Aur aap log hain Pakistan ki number one audience, aur mere saath jo guest hote hain, wo Pakistan ke number one guest hote hain. Hamari har cheez number one hoti hai. Khair ji, ye baatein chalti rahengi. Sabse pehle aap tamam logon ko khush aamdeed kahunga. Aaj ki mehfil mein, aaj ki is baithak mein, aaj ki is kachehri mein, jisme mazeed aaj garma garam katakat banenge. In fact, kuch tez masale wale honge, kuch halke masale wale honge. Aaj ke dono guest bahut hi special mere liye, kyunki bahut door se aaye ye, aur in fact bahut request pe aaye ye. We have Dr. Umair and Sania Saeed with us. Assalamu alaikum Sania. Assalamu alaikum Umair. आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया. नहीं सर. आप लोग आपका शुक्रिया. आपने इतना वेट किया. मैंने बहुत वेट किया. यस यस. आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी. लास्ट जो आपने फंडे किए थे यहाँ पे बैठ के, जो आपने लड़ाइयाँ कर दी थी डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स की कंप्लेन आ रही थी. उसको बुलाएं, इसको बुलाएं, दोबारा बुलाएं. मैंने कहा भाई ठीक है, फिर आप क्या करें. तो आज भी डॉक्टर्स का कुछ ना कुछ कटाकट कुछ करेंगे आज. मैं देखा और उससे बढ़ के करेंगे. उससे बढ़ के ना करना भाई. तुम्हारे भाई इसके जो वालिद मोहतरम है, उन्होंने हमें बोला यार आप क्या करवा रहे हैं हमारे बच्चे से. मुझे याद आ गया वो दिन जिस दिन ये शो ऑन एयर हुआ था. मुझे याद. सो ये सबसे पहले कि मैं शो से पहले ही माफी मांगता हूँ. आई एम सो सॉरी. ये मेरी गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप लोग हमें नंबर देते हैं. हमारा क्या है इसमें. हम तो यहाँ बैठ के शो करना चाह रहे थे. हमें बोला कि यार इसका कैटेगरी बनाओ, इसका कैटेगरी बनाओ, तो हम यहाँ पे बैठ के कैटेगरी बनाते हैं. हमारे साथ सानिया भी मौजूद है. सानिया जो है एक इन्फ्लुएंसर है. आपसे कोई मेरे ख्याल तीन चार महीने पहले बात हुई थी. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद आप गायब हो गई थी. आप शो में आने. मैं गायब नहीं हुई थी. मेरे बहुत सारे असाइनमेंट्स चल रहे थे और पढ़ाई भी, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं. अपने बारे में बताएं, ये आपका कैमरा है, आप कौन हैं, क्या करती हैं, टीवी पे क्यों आई हैं, सब कुछ बताएं. मैं सानिया सईद हूँ और मेरा ब्लॉग जो है उसका नाम है सानिया सईद खान. बेसिकली मैंने स्टार्ट लिया था सोशल इश्यूज़ पे बात करना. जब मैं सेकेंड ईयर पे थी तो मुझे अच्छा लगता था कि इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके बारे में बात की जाए, छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात की जाए. मेरा असल जो मोटो है वो यही है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें हैं, रहमतें हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर उन ख्वाहिशों के पीछे रोते रहते हैं जो लाहासिल है, और हासिल की कदर ही नहीं करते. तो बेसिकली यही मेरा मोटो है. और दूसरी चीज़ कि मैं स्टूडेंट हूँ स्टडीज की, और जैन भाई की बहुत बड़ी फैन भी हूँ, और मुझे शो भी बहुत पसंद है. मेरे काफी सारे दोस्त इसका पार्ट बन चुके हैं. एंड वाली लाइन थी ना, वजह से अब आपको वापस आने को मिलेगा. दोबारा आएंगे आप. अरे डॉक्टर उमेर सर, यार आपने क्या दुश्मनियाँ पाली हुई है. नहीं सर, वो तो क्या करते हैं आप ये कॉल्स पे, क्यों चाहते हैं ऐसा लोगों के साथ करना. मेरे पास अभी से लोगों की, देखिए मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा जिस पे आया था कि डॉक्टर उमेर को दोबारा बुलाएं. इतनी रिक्वेस्ट यार. नहीं, या तो ये प्यार में बुला रहे होंगे, क्योंकि आपका नया गाना रिलीज हुआ, मैंने कुछ आपके यूट्यूब पे भी देखा था. नहीं सर, गाने तो चलते रहे, अभी कवर्स में कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा. अभी एक चैनल के लिए मैंने एक ओएसटी भी मैं गा रहा हूँ अगले महीने, वो भी आपके स्क्रीन पे आएंगी इंशाल्लाह. अच्छा, बहुत ही अलग सा कॉम्बो है, डॉक्टर प्लस म्यूजिशियन सिंगर. सर अजीब सा. आई थिंक जैन भाई आपको शायद याद हो, मेरी आपसे पहली मुलाकात जब हुई थी फर्स्ट टाइम, तो एक बात मैंने आपको बोली थी कि आप प्रोफेशन कैन नेवर बी अ पैशन एंड अ पैशन कैन नेवर बी अ प्रोफेशन. इन दोनों में एक डिफरेंस हमेशा रहना चाहिए. तो पैशन म्यूजिक था, उसको मैं प्रोफेशन बना नहीं सकता था. लेकिन प्रोफेशन मेरा जो था वो मेडिसिन था, और उसको मैं पैशन कर नहीं सकता था. दोनों चीजों को साथ लेके चलना होता है. ऐसा होता है कि कभी ऑपरेट करते हुए सर्जरी करते सर, ये बहुत होता है. आपको पता है मेरी बड़ी कंप्लेंट. नहीं नहीं, इस चक्कर में बड़ी कंप्लेंट हुई थी क्लास में. मैं मेडिकल, अभी मेरा इतना ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ग्रेजुएट हुए हुए, बट जब मैं स्टूडेंट था एमबीबीएस का, था लेक्चर हॉल में मैं ये काम कर रहा था, मुझे मैं निकाले इसी बात पे जाता था. चलो आज तुम्हारे अंदर का हमें राजपाल यादव चाहिए. अरे सर ऐसा मुझे मारो मारो मुझे मार. तो आज कॉल इस तरह की करनी है हमें, ठीक है. आज हम कॉल करेंगे, और पहली कॉल जो है यार की मैं सोच रहा हूँ ये एक एक्सपेरिमेंट है. नॉर्मली तुम ऑब्वियसली घर वाले कभी बीमार होता है कोई, तो इनफैक्ट डॉक्टर्स भी कहते हैं यार सदका दे दें आप. सदका दे दें. सदका जो है बहुत सारी बलाओं को टालता है, आपको आपके नज़रें बद जो होती है उसको टालता है. तो बहुत सारे लोग सदके के बकरे यूँ देते हैं कि यार मैं फलानी जगह पर एक नेक काम भी है, गरीबों को खिला देते हैं आप. तो आज हम सदके के बकरे के लिए कॉल कर रहे हैं. ये एक वेलफेयर का नाम मैं नहीं ले रहा, ये बहुत नेक काम करें और बहुत अच्छा काम करें. मैं आपको तहे दिल से सलाम करता हूँ. लेकिन अब हम क्या करें, हमें जो यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए ना, उनके एक दोस्त ने हमें नंबर दिया, और उनका नाम है वसीम. वसीम साहब ने हमें नंबर दिया और उन्होंने कहा है कि भाई ऑपरेटर वहीं पे बैठा होगा, उसकी ये जॉब टाइमिंग है, आप उसको कॉल करें वही उठाएगा. ओके, अब हम लोग कॉल करेंगे सदके के बकरे के लिए. आप डिटेल लो, फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. तंग करना है इनको. ओके, लेकिन ज़रा लंबाई करना, खींचना.
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी फरमाइए। तो सदके का बकरा देते हैं ना आप लोग? सदका आप किस सूरत में देना चाहेंगी? हमारे घर में बहुत सारे फसादात हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो अब मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, तो मैं चाहती थी मैं किसी वेलफेयर से बात करूँ, इसी वजह से मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रोसेस क्या होता है। बीबी सदके के लिए हमारे पास बकरे की सूरत में है, आप फाइनेंशियली किसी की मदद कर सकती हैं वो आप हमें दे सकती हैं, आप खाना खिला सकती हैं गरीबों को, 100 अफराद के लिए, 50 अफराद के लिए, 200 अफराद के लिए, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है हमारे यहाँ। तो सदके का बकरा देते हैं ना आप लोग? जी सदके का बकरा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो आप उसमें हमें भी देंगे? जी जी बकरा हमारे पास कीमत के हिसाब से होता है, वजन के हिसाब से भी होता है। अच्छा, तो यानी पैसे भी सबके अलग अलग होंगे? जी। अच्छा ठीक है, मुझे तो ये समझ नहीं आता, पैसों का हिसाब तो आप मेरे शोहर से ही बात कर लें, वो आपसे सादा सही पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज ग्रामी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हैं। सर ये सदके के बकरे के बारे में मालूम करना था, ये आप सदके का बकरा देते हैं ना आप लोग? जी मैंने बता दिया है उनको जो उन्होंने मुझसे पूछा है। अच्छा मुझे बता दें कि ये जो आपके ये काला बकरा थोड़ा महंगा है या दूसरे बकरे मैंने सुना थोड़े सस्ते होते हैं? काला बकरा असल में सदके के लिए इसलिए लिया जाता है कि काला बकरा तमाम जो आपकी हासदीन की नजरें होती हैं वो तमाम मुसीबतें अपने ऊपर ले लेता है, चूँकि उसका जो उसकी कीमत है इस वजह से ज्यादा रखी है। अच्छा, वो महंगा होता है। अच्छा, व्हाइट जो सफेद कलर का बकरा या किसी और कलर का आप लें तो उसमें इतना नहीं होता, गो के सदका उसका भी हो जाता है, लेकिन काले को ज्यादा लोग यहाँ पर तरजीह देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बता दें कि ये इसमें गोश्त कितना निकलता है भाई? इसमें मुख्तलिफ किस्म के इसके प्राइस रेंज है, जैसे कि आप अगर लेंगे काला बकरा तो उसके वजन के हिसाब से होगा, अगर 25 किलो का है या 30 किलो का है तो हमारे यहाँ 15,000 से शुरू होता है मामला, तो ये जाके 40-45,000 तक होता है। अच्छा ये काफ़ी महंगे बकरे। अच्छा तो फिर मैं ये है कि आ जाता हूँ आप लोगों की तरफ, इधर ही आपके ट्रस्ट का जो एड्रेस है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, आप आ भी सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें गोश्त कितना निकलेगा? गोश्त किलो गोश्त आपके लिए निकलेगा, किलो गोश्त और बाग मतलब। अच्छा जी। अच्छा आप लोगों का तो अलग है, क्योंकि मैंने वो से पूछा था वहाँ पे आपसे सस्ता है, आपका रेट ज्यादा लग रहा है मुझे। मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, शायद वजन का थोड़ा सा नहीं, उनके बकरे में भी 8 किलो गोश्त था, वो कह रहे थे 8 किलो 10 किलो निकल आएगा, और पैसे भी मुनासिब लग रहे थे मुझे, लेकिन आपके तो ज्यादा लग रहे हैं थोड़े। देखें हम बीमारी का खास ख्याल रखते हैं कि बकरा जो हम दे रहे हैं या बकरा जो हम ले रहे हैं वो वैक्सीन हुई भी होती है, ये देखें खल्के खुदा वैक्सीन लगी, ये मखलूक ने खाना है। जी 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 सारी चीजें देखकर साफ सुथरा, दो दांत का हो, ज्यादा बूढ़ा ना हो, नर्म गोश्त हो, क्योंकि खाना हम गरीब लोगों नहीं होता है। नेकी की नियत से अगर आप एक चीज दे रहे हैं तो अगर वो खराब देंगे तो उसका सारा नुकसान आपके ऊपर आएगा, तो हम इस चीज का बहुत ख्याल। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें कोई ऐसी चीज ना दें जिससे कल के खुदा को तकलीफ हो या उस मखलूक को कोई जो है वो मुश्किल पेश करनी पड़े, फेस करनी पड़े। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मुझे ना एक सदके का बकरा दे दें ये बोटी बनवा के, तो मैं आप जैसी कोई छुरी फेरे ना मतलब किसी बकरे पे तो मैं आ जाता हूँ चॉपर लेके, तो मैं ले जाऊंगा बोटियाँ, मैं गोश्त ले जाऊंगा साथ। कोई भी आए ना अगर आपके पास, जैसे आज आता है कोई कल आता है, किसी को किसी की बच्ची बीमार है बेटा बीमार है, तो अगर सदके का बकरा आपसे लेता है ना तो होता है, अगर जैसे ही वो छुरी फेरेगा ना तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा रक्षे में शॉपर ले आऊंगा, तो आप मुझे दे दें गोश्त। मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं सदके का बकरा आप देते हैं ना तो मैं लेता हूँ, मैं सदके का बकरा लेता हूँ, असल में मैं खाता हूँ सदके का बकरे का गोश्त। तो आप बकरा नहीं दे रहे, आप ले रहे हैं हमसे? हाँ, मैं देता नहीं हूँ बकरा, मैं सदके का बकरा खाता हूँ, मैं वो लेता हूँ। तो मेरी बेगम बहुत अच्छे सदके का बकरे की ऐसी बिरयानी बनाती है माशाल्लाह, हम लोग तो रोज सदके का बकरा खाते हैं माशाल्लाह से। मैं समझ रहा था कि आप बकरा दे रहे हैं हमें, आप नहीं, बकरा तो आपके पास होगा, अगर कोई आए छुरी फेर, हाँ मैं मांगने वाला हूँ,
तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बेगम के साथ आ जाऊँ, हम दोनों आते हैं मियाँ बीबी रक्षे में, तो शॉपर ले आते हैं साथ, तो आप हमें दे दें गोश्त बकरे का, जब होगा तो फिर आप आ जाइएगा, ठीक है? तो ये कब होगा? हेलो, आप आ जाइएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए। अच्छा मेरी बात सुने, हेलो कॉल काट दी। पता चला कि हम मांगने वाले तो ये क्या बात है भाई, मांगने वाले भी तो कॉल कर सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी कॉल करते हैं भाई। खैर मजीद बातें करेंगे, मजीद कॉल्स भी करेंगे। okay. अब अगली कॉल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और ये कॉल करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, सेलिब्रिटी कॉल करें। किसको कर रहे हैं? मेरे जहन में है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम है अयाज खान, वो जिनकी ऑप्टिक्स इमेज ऑप्टिक्स करते हैं बहुत। हाँ रिसेंटली मैंने उनके साथ एक प्ले किया था हकीम ऑनलाइन के नाम से। आपने किया था? हाँ, तो फिर आप ही प्रैंक करें। चले मैं लेकिन आवाज चेंज करनी है। हाँ हाँ लहजा भी चेंज करना है, पकड़ डाले। अच्छा बोलना क्या है थोड़ा सा मुझे बताएं तो। इनका देखो भाई, इनका काम क्या, चश्मे का काम है ना, तुम कॉल करो, तुम इनके कस्टमर बन के कॉल करो कि बड़ी मुश्किलों से मुझे आपका नंबर मिला है और मैंने आपकी शॉप से चश्मा लिया था, और जब से मैं आपके चश्मे लगा के देख रहा हूँ मुझे हर चीज़ गंद, मतलब गंदी नज़र से देख रहा हूँ मैं सबको। आपका चश्मा लगाता हूँ मुझे। अरे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। खैर है, खैर है, खैर है, गुस्से तो लाना है। सही है, इनको कॉल। आपके चश्मे की क्वालिटी अच्छी नहीं, नजर नहीं आता मुझे। हाँ हाँ इस तरह की बात, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनसे। ताल्लुकात तुम्हारे वापस अच्छे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन पता ना चले यार। ओके हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। वालेकुम सलाम। अयाज साहब मैं सुलेमान बात कर रहा हूँ, आपके पास वक्त होगा 2 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हाँ बोलिए। अयाज साहब मैं आपका बहुत पुराना क्लाइंट हूँ, मैंने आपसे एक चश्मा लिया था, मेरी उम्र जो है वो अब हद से गुजर चुकी है, मगर वो चश्मा लेने के बाद वो मैं जवान महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र जो है जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ मुझे हर चीज़ गंदी नज़र आ रही है, मतलब गंदी नज़रों से देख रहा हूँ मैं लोगों को। अच्छा गंदी नज़र से देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे पास वो अच्छी नज़र वाले भी हैं। नहीं ऐसा हो क्यों रहा है यार साहब, ऐसा क्या वजूहात क्या है कि मैं, मेरा मतलब मेरी उम्र है अल्लाह अल्लाह करने की, और मैं जो हूँ अल्लाह अल्लाह की जगह। कितनी उम्र है? नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग जो है ना वो चल रहा होता है कि मैं उसको कहाँ यूज करूँ। नहीं वजूहात जानना चाहता हूँ, चश्मे में आपके क्या है ऐसा? देखिए मेरे चश्मे में तो पहले, तुम चश्मे से पहले आपके जहन में क्या है, क्योंकि चश्मा तो देखिए चश्मा जो है वो आपको दिखाता तो साफ है, लेकिन अगर आपका जहन थोड़ा सा भी दाएं बाएं है तो उससे आपको चीजें अच्छी नहीं दिखेंगी, बल्कि घर वाले बीवी अगर आप शादीशुदा होंगे तो बुरी होंगे, जाहिर है लाजमी होंगे, जो आप जाहिर ये सारा जो होता है ये 50-60 के बाद आता है। तो उम्र है कितनी आपकी? मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 68 है, ज्यादा नहीं है अभी तो, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। बात नहीं है, आप ऐसा करें जी। आप ये तो मैं आपसे सिर्फ चाह रहा था कि हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाए, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था अगर आपको इशू है तो आप बिल्कुल आ जाइए, हम आपको, ऐसा तो नहीं है कि आपके चश्मे में आपको दो दो नजर आ रही हूँ बीवियाँ? नहीं मेरी तो है ही दो बीवियाँ यार सर, मैं तो। अरे बड़े खुश नसीब, नहीं फिर दो बीवियों वाले तो मस्जिद में सोते हैं ना? नहीं नहीं यार साहब मस्जिद में क्यों सोएंगे, हमारा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। यार वैसे एक बात है, आप आपकी आवाज मुझे लग नहीं रहा कि आप 60 से ऊपर गए, क्योंकि ये इतनी जो आपकी आवाज में जो करख्त भी है वो चश्मा तो चश्मा पहनने के बाद आई है, चश्मा पहनने के बाद आई है यार साहब, पहले ऐसी नहीं थी मेरी आवाज, पहले तो आवाज निकलती ही नहीं थी। आर यू श्योर कि आपने जो ऑप्टिक्स से ही लिया है चश्मा? जी जी मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। नहीं आप कसम न खाएं, कसम खाने को भी परहेज बताया होगा डॉक्टर ने आपको। मुझे बताना ये है कि ये चश्मा पहनने के बाद मुझे अपनी बीवी बहुत बड़ी बड़ी भी लग रही है। मतलब, बड़ी बड़ी लग रही है? मतलब मुझसे 15 साल छोटी है मेरी वाइफ। वजन में बड़ी लग रही है या देखने में बड़ी लग रही है? नहीं वजन में भी बड़ी लग रही है, वैसे ही बड़ी लग रही है, हमसे 15 साल छोटी हैं, अभी हमसे 10 साल बड़ी लग रही है चश्मा पहनने के बाद। 15 साल छोटी तो हमेशा रहेंगे ना, ये थोड़ी है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो उनकी उम्र आहिस्ता आहिस्ता आपका 20 फासला कम होता जाएगा, उम्र का तो वही 15 ही रहेगा ना। अयाज भाई सॉरी हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उससे नहीं हो रहा। डॉक्टर उमेर बात कर रहा हूँ यार, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी यार।
डॉक्टर उमेर जी। अबे तुम कहाँ आ गए, तुम कहाँ इसको सेंटर से जनाब, तुम कहाँ बैठ गई है, कहाँ से तुम? अयाज भाई जैन बात कर रहा हूँ। डॉक्टर उमेर मेरे शो में आया हुआ है, मैं कटाकट शो में हूँ इस वक्त। आप लोग बोल एंटरटेनमेंट पे आपकी पूरी कॉल आ रही थी लाइव, हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। अरे बदमाशो क्या तुम लोग, कटाकट में तुम तो फटाफट। अच्छा तुम लोगों के असल में वो एज ग्रुप, तुम्हारा जो एज ग्रुप है उसमें तो मैं मिसफिट हूँ, लेकिन ये तुम लोगों ने कॉल का मामला अच्छा किया भाई। हम लोग कॉल पे ही करते हैं सबके साथ, पूरे पाकिस्तान से हमारी तरफ से कॉल जाती है पूरे पाकिस्तान को कटाकट बनाने के लिए। आज डॉक्टर उमेर ने कहा कि चले भाई अयाज भाई को कॉल करते हैं। मैंने अयाज भाई आई एम रियली सॉरी यार, उमेर का तो सबसे अच्छी। नहीं, अरे भाई ये बात करो नहीं ना, इसका मजा खराब नहीं करो। मुझे मजा आया, मैं तो गाड़ी चला रहा था, अगर मैं कहीं रुका हुआ कहीं बैठा होता तो और मजा आता। अयाज भाई आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा, आप जरूर आएंगे हमारे शो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई एम सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो। वेलकम। नहीं, कुछ भी नहीं बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जो लिसनर्स हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि भाई ये इनके शो को कटाकट को फटाफट और ज्यादा लाइक करें, ये बच्चों की हौसला अफजाई जो है ना वो बहुत जरूरी होती है, वो लाजमी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये कॉल तो बहुत जबरदस्त हो गई, अयाज भाई ने बहुत अकलमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने इतना सा भी गुस्सा नहीं किया। चलो अभी काम करते हैं, मैं इससे पहले कि अगली कॉल की तरफ जाऊं, मैं चाहूंगा कि तुम एक गाना मुझे अगर सुनाओ। बिल्कुल। सितारों से भी आगे एक जहां है वहां, मैं तेरे साथ हूं तू मेरी हमनवा, मैं खुद से पूछता हूं ये क्या मुझे हुआ, कल तक था मैं फना आज दीवाना हुआ। क्या बात है यार, बहुत आला। चलो अब कॉल करते हैं, आप हम लोग चलें सेलिब्रिटी कटाकट बनाएं दोबारा फिर से, एक ही शो में दो, एक ही शो में दो सेलिब्रिटीज। चलें आजा मूड में है, सेलिब्रिटी कटाकट क्या मजा है, किसका बनाएं बताओ। अगर कॉमेडियन का बना रहे तो फिर फैसल काजी साहब को कॉल करें, वो मेरे फेवरेट है। फैसल काजी फेवरेट है, वो तो उनको अच्छा, वो सीनियर है भाई, वो सीनियर भी है, वो बुरा भी मानते हैं, बहुत नरम दिल के, उनको कोई बात आप बोल दो मजाक भी कर दो ना तो सीरियस ले जाते हैं, उसको बहुत इमोशनल हो जाते हैं उसमें। ओके जी, हम कॉल कर रहे हैं फैसल काजी को, ये आप बात जो कि एक मैं करता हूँ, मेरे फिर पसीने छूट जाएंगे। नहीं नहीं रिलैक्स, मैं करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र दुआ है, खैरियत से हैं? बिजी तो नहीं है, बात हो सकती है? नहीं नहीं बिल्कुल बात कर। अच्छा फैसल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपका मद्दा हूँ बहुत बड़ा, आपको पर्सनली लाइक करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। बड़ी नवाज। और मुझे किसी ने बताया कि आपने वो एक रेस्टोरेंट खोला है पूरी चटोरी। हाँ, खोला है। जी हाँ जी हाँ। तो मैं, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने सोचा कि इस दौर में इस तरह का एक कदम उठाना एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी फैमिली और सबको लेके गया आपके उधर आपकी आउटलेट पर, और पूरी चटोरे पे हम लोगों ने बाकायदा चीज़ें खाई, बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगा, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। कब कब गए आप? मैं दस दिन पहले गया हूँ तकरीबन। अच्छा हाँ, 10 दिन पहले गया था, तो बहुत खुशी हुई और मैंने नंबर निकलवाया आपका। मुजम्मिल उद्दीन बात कर रहा हूँ, गालिबा आपसे मेरी आर्ट्स काउंसिल में मुलाकात भी हो चुकी है एक आध दफ़ा, अहमद शाह साहब, अहमद शाह साहब के साथ। अच्छा। हाँ जी, तो और सुना क्या? बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक वजह है जिस वजह से मैंने सोचा आपको बता दूं। असल में जब वो मैंने पूरी चटोरे से चीज़ें वीज़ें खाई, दोस्त यार भी गए थे और भी कुछ आर्ट्स काउंसिल के दोस्त यार गए थे, तो फैसल भाई पेट ख़राब हो गया सबका। पेट ख़राब हो गया? हाँ, पेट सबका ख़राब हो गया था। अच्छा हाँ,
तो कोई जो आपका कोई खानसामा है या कोई कोई जो वहाँ पे शेफ है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है, टेस्ट अच्छा लग रहा है उस वक्त खाने में, चटनियाँ उस वक्त तो पता नहीं चलता, खा तो लेते हैं लेकिन पेट सबके, या तो मुझे लगा शायद मुझे कोई डायरिया हो गया या मेरा कोई प्रॉब्लम हो गया, मैंने सबको फ़ोन किया, सबसे पूछा, इनफैक्ट मेरे घर मेरी वाइफ भी गई थी, सबका ही पेट ख़राब हो गया। हमारे पास तो मैं तो रोज़ाना चटनियाँ चेक होती हैं, मेरी वालदा इसके सुपरविजन करके बनवाती हैं, मेरी बहन बनाती है। अच्छा। कोई चीज़ बाहर की नहीं है इसके अंदर। हाँ जी। 1.5 महीने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इवन मैं रोजाना बैठ के खा रहा होता हूँ वहाँ पे। और हो सकता है आपका आपका मैदा इस आदि हो गया हो इन मसालों का, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके नहीं भाई आदि क्या सारी जिंदगी होंगे, जाहिर मैं एक बात कह रहा हूँ जी, हो सकता है क्योंकि मेरा तो मेरा भी अभी 3 दिन पहले बहुत डिस्टर्ब था, गर्मी वो इसी वजह से था, इसी वजह से था। मैं मेरी बात माने फैसल भाई, वो जो आपका 3 दिन पहले आपने बताया ना आपका मेदा डिस्टर्ब था, वो यही वजह थी। हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए। नहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ऑलमोस्ट बिल बना होगा कोई तकरीबन हमने कोई 1200 का खाया होगा तकरीबन ना, लेकिन वो 1200 के बाद दवाइयाँ और वो ड्रिपें लग गई और ये हो गया, तो कोई 4-5 हज़ार हमारे और लग गए। तो बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की नहीं है, बात होता है कि एक सही एक ना फीडबैक दे देना इंसान को ना, एक सच्चा फीडबैक देना, आपके मद्दा है, आपसे प्यार करते हैं। अभी तो खैर बंद है वो 5-6 दिन से। अच्छा। और अभी इसकी चीजें जब नई बनेंगी नए सिरे से बनेंगी तो फिर मैं उसको मजीद चेक कर लूंगा, अदरवाइज ये पूरा टेस्टेड है, हर चीज अपने हाथ से ग्रोसरी करता हूँ मैं। अच्छा। मेरी बहन घर में बनाते। अल्लाह बरकत दे। बस मैं जो चाह रहा था ना, मैं चाह रहा था आप 5000 अगर दे दें मुझे जी, 5000 अगर आप मुझे दे दें। I'm so sorry, मैं आपकी बात अजीब सी लग रही है, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरी इस वक्त जो पोजीशन है उस पर आप या तो मजाक कर रहे हैं उसके साथ या फिर आप समझ नहीं रहे, तो मतलब अगर ये रोज की 40 प्लेट्स बिक रही हैं तो उसमें अगर किसी का पेट खराब हो गया तो उसमें मेरा क्या कुछ हो रहा है? नहीं कि अगर उसके पैसे भरूंगा, यानी आप इसको आप फैसल भाई किसी एक का पेट खराब होता तो अलग बात थी, सिर्फ मेरा हो जाता तो बेगम क्या ला, आप मेरी बेगम से ये बात करें, बात करें तो मतलब मैं ये बंद कर दूं, मैं ये बंद कर दूं, आप ही चाह रहे हैं? नहीं नहीं अल्लाह चाह रहे हैं कि मैं ये बंद कर दूं, अल्लाह मेरे खाने में जहर मिला हुआ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आपका ये कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां पाए। मैं तो सिर्फ 5000 की बात कर रहा था कि जो नुकसान हुआ है, जो दवाइयां चीजें वो आप दे दें। मैं कोशिश करता हूँ, कहीं कमेटी डालता हूँ, निकलेगी तो फिर फैसल भाई फैसल भाई मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से, आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, बोल एंटरटेनमेंट से बात कर रहा हूँ, आपके साथ मजाक कर रहे थे और ये आइडिया मुझे डॉक्टर उमेर ने जवाब ठीक दिया था मैंने, जवाब आपने बहुत टाइट दिया, आखिर में जो बोला वो भी आ रहा था, मजा आ गया सर, बहुत आ रहा था। फैसल भाई आई एम सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया था कहीं से गंद हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ फैसल भाई, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे, मैं समझ गया, आई एम सॉरी फैसल भाई, आई एम सॉरी। क्या हाल है तुम्हारा? खैर मैं बिल्कुल ठीक, आई एम सॉरी। अबे ठीक है ना, मैं जवाब भी तो टिका के दे दिया, जवाब की तारीफ नहीं कर रहा। जवाब बहुत अच्छी थी आपने, बहुत कमेटी डाल के दे देंगे, क्या होगा? फैसल भाई आई लव यू, आप मेरे बहुत फेवरेट हैं, मुझे तुम्हें आना होगा, इनके पेट सर्विस करवा दूंगा मैं। अच्छा मैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को टीवी पे लाइव बताना चाहूंगा कि फैसल भाई का एक नया रेस्टोरेंट है पूरी चटोरे के नाम से, जरूर जाएं और जरूर खाएं, और ये मेरे ख्याल गुलशन इकबाल में, बिल्कुल गुलशन इकबाल में पूरी चटोरे नया आउटलेट है, जरूर जाएं। उमर हाइजीन तुमने तो खुद देखी थी, बिल्कुल 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 भाई, मैं सर वो बस फैसल भाई मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपने मुझे अपने हाथ से खुद आऊंगा, मैं भी आऊंगा आपके आउटलेट पर, मैं भी खा के जाऊंगा जरूर लाजमी। अपना बहुत ख्याल रखें, एंड वी लव यू, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ी, अल्लाह हाफिज़ी। अच्छा उनको गुस्सा पता कब आया, जब मैंने कहा मुझे 5000 तो चाहिए, कह रहा मैं दुकान बंद कर दूं अपनी तेरे लिए।
बैठा नहीं जा रहा था कि मैंने आप खवातीनो हजरात आज का ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। फिलहाल हम लोग जाएंगे एक छोटे से तशहीरी वक्फे की जाने यानी कि एक कमर्शियल ब्रेक की जाने, फिर वापस आएंगे इस महफिल को, इस बैठक के उसके चेहरे को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर वापस आके ही आप देखेंगे कि अब प्रोग्राम में क्या चेंज आया। अब हमारे पास दो नए मजीद गेस्ट होंगे और वो दो क्या करेंगे सोच है आपकी, साथ ही जगह हकीकतन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो लोग अब तक की स्क्रीन के सामने जुड़े रहे और इतने सारे कमर्शियल देखे कि कब कटाकट शो दोबारा शुरू होगा, ये कदर सिर्फ वही जान सकते हैं जो कि ब्रेक से पहले देख चुके थे। और जो लोग अब देखेंगे मेरा ख्याल है कि आपको इस हफ्ते का आधा डोज तो हम देके जाएंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे काम है मुस्कुराहटें बिखेरना, थोड़ी बहुत बातें भी सुनना, लेकिन उसकी वजह ये है कि आप लोग खुश रहें, ये एक घंटा अच्छा गुजरे। फाइनली हम लोग ब्रेक के बाद जब वापस आए तो हमारे पास दो मजीद गेस्ट मौजूद हैं, वी हैव अली एंड ईमान विद अस। हेलो अली, हेलो ईमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं माशाल्लाह मोटा हो रहा हूँ खुशी से। अच्छा लग रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये होती है 22 वर्ष, देखो मैंने तुम लोगों की तारीफ की, तुमने मेरी तारीफ की। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप वाकई में अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शो कटाकट शो के बारे में तुम्हें सब पूरी इन्फॉर्मेशन है, सब गेम बताया मुझे तो बहुत अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे साथ एक आउटडोर प्रैंक आई थिंक हुआ है, उसका नाम ना ले प्लीज, मुझे बताएं। मुझे तुम हमारा पार्ट हो, तुम हमारे साथ थे ना, तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा। बिल्कुल मैं आपके साथ था, वो हैदर मैंने बुलाया था मुझे एक ऑडिशन के लिए, मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैं आ गया तो भाई वो तो मतलब समझेंगे, वो घर से लड़के आई हुई थी, उन्होंने बोला अपने घर का गुस्सा यहाँ उतार रहे हैं। तुम बता दे गुस्सा, मैं वो गधे की आवाज वाला, अरे यार गधे की आवाज, जी बिल्कुल, अरे आज गधे की आवाज सुनेंगे तुमसे। खैर नहीं नहीं वैसे तुम रियल अपनी जिंदगी में क्या करते हो? मैं बेसिकली सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन, अपना बिजनेस। तो किस चीज का बिजनेस? इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स? एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग सेल एंड परचेज वगैरह। अच्छा, तो यार जबरदस्त है, तुम्हें टेक्निकल चीजें आती हैं? जी बिल्कुल। आप बताएं ईमान, आप क्या करती हैं, कौन है आप, क्या चाहती हैं, इस शो में क्यों आई हैं? मैं इन्फ्लुएंसर हूं और मैं यहां पे इसलिए आई हूं, प्रैंक कॉल्स होते हैं तो मुझे भी बड़ा शौक हो रहा है प्रैंक। आपने कभी वैसे किए हैं प्रैंक? कभी किसी के साथ नहीं किया, आज पहली बार करूंगी, देखते हैं कैसा जाता है। तो आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप प्रैंक कर सकें? क्योंकि प्रैंक करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना। कॉन्फिडेंस है बिल्कुल, लेकिन अब देखते हैं कैसा जाता है। वो क्या है वैसे, आप क्या करती हैं? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं साथ में स्टडी करती हूँ, लाइफ स्टाइल, फैशन, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग का। अच्छा, ये सब स्टडी क्या करती हैं? स्टडी मैं बीबीए कर रही हूँ। ओके ओके, और आगे क्या करने के इरादे हैं? आगे मेरा इंशाल्लाह एमबीए करने का इरादा है और यही सब इसको पढ़ाई के साथ लेके चलने का इरादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब हम कटाकट की तरफ बढ़ते हैं और आज के मजीद कटाकट हमारे पास मौजूद हैं। एक हमें हमाद ने नंबर दिया है, मैं और ये नंबर दिया है मैं उमर साहब का, ठीक है। और अब उमर जो है, अच्छा कुछ दोस्त होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनके जहन में होता है यार बस शादी कहीं अमीर जगह अच्छी जगह शादी हो जाए ना, बिल्कुल, और कहीं खास तौर पे बाहर हो जाए, ये सबका माइंड सेट होता है, तो लाइफ सेट हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं आएगा। सही है, तो ये एक साहब है उमर हमाद ने हमें बताया कि इसने ना पाकिस्तानी रिश्तों के लिए नहीं, इंटरनेशनल रिश्तों के लिए अपनी कोई वेबसाइट है, वहाँ पे बकायदा रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए हैं इसने, $20 खर्च किए हैं और वहाँ पे अपना पूरा पोर्टफोलियो, अपनी तस्वीरें सब कुछ डाला है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका में कहीं कहीं पाकिस्तान में नहीं, बाहर रिश्ता हो जाए ताकि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, मेरे ससुर मुझे बुला लें। ये वो वाली तबीयत चाह रहा है ना जिंदगी में, आसानियाँ चाह रहा है, बुला लें, खुद से नहीं जाना, खुद से नहीं जाना, बुला लें, रिश्ता हो जाए लड़की के साथ ही, बस मैं चला जाऊँ, ये रुखसत होना चाहता है, ये चाहता है मेरी रुखसत ही जा रहा है, इसकी रुखसती हम करते हैं, हमने इसकी तस्वीर देख ली है, सही है, तुम मेरी बेटी बनोगी, मैं तुम्हारा अब्बू बनूंगा और फिर इनको कॉल करते हैं, ठीक है, इनकी रुखसती हम करवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उमर बात कर रहे हैं? जी उमर बोल रहा हूँ। उमर बेटा क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, कौन बोल रहा है? उमर जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ, ये मैंने बेटा आपकी ये कॉन्टेक्ट नंबर लिया है ये वेबसाइट से जो आपने रिश्ते के लिए आई थिंक कुछ अपलोड किया हुआ है अपने रिश्ते। हाँ जी 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 जी, मैंने ऐड पोस्ट किया था, मैंने ऐड पोस्ट किया था। बेटा अपने बारे में कुछ बताएंगे आप हमें, जानना चाहेंगे? अंकल मैंने अभी एमबीए किया है और
अभी मैं अपना बिजनेस भी करने का सोच रहा हूँ, बस थोड़ा सा रह गया। किस चीज़ का सोचा है बेटा आपने? हम एक्चुअली देखें, रिश्ते की बातें बेटा ऐसी होती है ना कि वैसे तो बड़ों से करते हैं, कोई घर का बड़ा है? जी अंकल जी, कोई घर का बड़ा है आपका? या घर में बड़े तो घर में हैं, लेकिन अब वो गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपसे बात करूँ ना? मैंने असल में आप ही का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी आईडी लिखी हुई है। आप अमेरिका से, अमेरिका रहते हैं आप? जी बेटा, मैं यहीं पे जर्सी में रहता हूँ, न्यू जर्सी में। जी जी, लेकिन अभी हम लोग पाकिस्तान में हैं। अंकल मौसम कैसा है वहाँ का? बेटा अभी मुझे नहीं पता कैसा है, मैं तो पाकिस्तान में हूँ अभी ना। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, बेटी हमारी पूरी फैमिली यहाँ आई है, हम चाह रहे हैं। पाकिस्तान आए हुए? जी बेटा हम पाकिस्तान आए हैं, जाहिर है, मतलब हम लोग यहीं से रिश्ता करके चाह रहे हैं, बात अच्छी हो जाए, कोई अच्छा लड़का मिल जाए। तो मुख्तलिफ लोगों को कॉल कर रहे थे, तो आपका भी हमने देखी प्रोफाइल, तो हमने कहा चलो कॉल करते हैं। हम एक्चुअली हम लोग अपनी लोकल वेबसाइट्स देखते हैं, तो लोकल वेबसाइट पे आपका भी ऐड था आप, मतलब मैं थोड़ा सा शॉक में आ गया कि ये तो आप। हाँ अंकल, मैंने डाला हुआ था, और मैं पता है अंकल सोच रहा था कि अब तो पढ़ाई भी हो गई है और बिजनेस भी करूंगा, अब बस शादी। बेटा क्या कास्ट क्या है आपकी? कास्ट क्या है बेटा, जानना चाहूंगा। कास्ट हम लोग ना इधर रहते हैं अर्बन सिटी में, हम लोग पीछे से चौधरी हैं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो आपकी फैमिली में कितने बहन भाई हैं, क्या आपका बेटा कितने लोग हैं? हम लोग अंकल, हम लोग ना एक ही हैं। आप अकेले होते हैं? जी हम लोग एक हैं। माशाल्लाह, मेरी बेटी बैंकर है और बैंक ऑफ अमेरिका में उसकी अच्छी खासी जॉब है, तो हम चाह रहे थे क्योंकि अच्छा पाकिस्तानी लड़का यहीं से लेके जाएं और यहीं पे हम लोग अपनी बच्ची को वहीं पे। नहीं अंकल, मैं बताऊं, सुने मेरी बात, हूं तो मैं लड़का, मेरे अंदर सारी खूबियां जो है ना वो औरतों वाली है, मतलब औरतों वाली से मुराद वो नहीं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आदतें मेरी ना वो घर के काम करना, बर्तन धो लेना, कपड़े धो लेना, झाड़ू पोछा लगा लेना, शॉपिंग कर लेना, ये पानी की मोटर चला देना, ये सारा मुझे आता है। मतलब आप तबीयतन हाउसवाइफ हैं? हाँ मतलब हूँ नहीं। अंकल मैं हूँ नहीं, लेकिन आपकी बेटी के लिए मैं बन जाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं एक सेकंड होल्ड करना, मैं तुम्हारी तस्वीर, जरा बेटी ईमान यहीं पे है मेरे साथ ही है। ईमान बेटा इधर आओ जरा, ये। हाँ सर। जी पापा। बेटा होल्ड करना, होल्ड करना, होल्ड करना बेटा, होल्ड करना। ईमान बेटा जरा तस्वीर देखना, ये ब्लू शर्ट नहीं, ग्रीन शर्ट वाले। जी पापा दिखाइएगा। ये कैसी पिक्चर है, ये आप कैसा रिश्ता लेके आए हैं? आपकी चॉइस ऐसी हो? अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें बेटा ये? आपको नहीं पता मैं कैसी हूँ? आप मतलब अब इस तरह के रिश्ते लाके देंगे मुझे? अंकल टी क्यों मार रही है बेटी आपकी? वो बेटा मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी थी ना यहाँ पे खोल के, तो वो डर गई थोड़ी, लेकिन अब अभी भी सांस फूल रहा है इसका। बिल्कुल भी पापा अच्छा रिश्ता नहीं है। मेरी तस्वीर देख के डर गई है? बेटा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। बेटा इधर आना, अली जरा चेक करो ये तस्वीर। जी बाबा, क्या हो? ये तस्वीर है, ये तस्वीर। कौन सी दिखाई? ये वाली। क्या हो गया आपको? इसकी शक्ल देखी है आपने? ये मेरे रात को ख्वाब, मैं इसको चप्पल मार के भगाऊंगा मैं। आप मेरी बहन को इससे शादी करवाएंगे? बेटा मुझे मुश्किल लग रहा है, हो नहीं पाएगा। ये आपका बेटा भी अमेरिका में ही होता है? आपका बेटा भी अमेरिका में होता है? ये भी अमेरिका में होता है, कजन ब्रदर है ये, मेरा सगा बेटा नहीं है, कजन, इसका कजन है। मेरी बात सुन अंकल, इसकी शक्ल पता नहीं कैसी होगी, बात तो करने इसको आती नहीं, अमेरिका से ये आया है, उर्दू तो इसकी ठीक नहीं। मैला आप लोगों को मैं ठीक नहीं लग रहा, जाओ सारे। तुम्हारी अंकल, हेलो तुम्हें तो अंकल, अंकल दिल से अच्छा होना चाहिए बंदा, शक्ल से नहीं होता। बेटा मेरी बात सुनो, कोई मिल गया ना तुम्हें बुरा बंदा, हेलो आएगा फिर बेटा भी नहीं सुनते आपकी बात, अपना रिश्ता। अबे भाई मेरी बात सुन, मैं जहन अबे और इससे बात नहीं हो सकती यार, इससे बात नहीं हो सकती। अरे भाई इससे बात नहीं हो सकती यार, ये कौन था? दर्द हो गया। ओफ ऐसे होते हैं लोग, ये जो काम नहीं करते ना, ये चाहते हैं कि रिश्ते हो जाएं बाहर, यही काम है सबसे बड़ा जिंदगी का, सबसे बड़ा मिशन ही है कि अमेरिका चले। ओह माय गॉड, नहीं जाएगा भाई, तू अमेरिका नहीं जा सकता, हमारी बद्दुआ है, इतनी गाली कौन देता है? नॉन स्टॉप।
खैर अब हम मजीद कॉल करेंगे, एक अदद कॉलर हमारे पास मजीद है और अच्छा उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। मुजम्मिल। मुजम्मिल, ओके मुजम्मिल, ठीक है। इसका गुस्से वाला ही है? जी बहुत गुस्से वाला ही है। चलो एक सेकंड रुको, इसका गुस्सा चेक करें। हाँ बिल्कुल, गुस्सा चेक करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ ये रॉन्ग नंबर है क्या? नहीं रॉन्ग नंबर नहीं है। रॉन्ग नंबर नहीं है, किससे बात करनी है आपको? काशिफ से बात करनी है। अबे काशिफ नहीं, मुजम्मिल बात कर रहा हूँ भाई। तो मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या पूछा? रॉन्ग नंबर है, तुमने कहा नहीं। अबे भाई काम बताना क्या है, क्यों? काशिफ से बात करनी है यार, काशिफ से बात करनी है। हाँ बोल, मैं ही बोल रहा हूँ। काशिफ, काशिफ क्या हाल है? हाँ बोल एकदम, तू बता। अजीब बात नहीं है यार, बोल रहा हूँ भाई। मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब तो दे, रॉन्ग नंबर है या नहीं यार? पहला सवाल क्या किया था मैंने? हाँ रॉन्ग नंबर है, चल धोखा। रॉन्ग नंबर है, अबे तू रखता क्यों रॉन्ग नंबर, सही नंबर खरीद जाके। अबे भाई तूने नंबर डायल किया तो सही होगा ना, तभी तो कॉल मिली है। नहीं तो तेरे पास गलत है ना नंबर, मुझे तो काशिफ से बात करनी है। क्यों तंग कर रहा है भाई? भाई बता कि रॉन्ग नंबर क्यों लेके रखा हुआ है तूने, नहीं सिम ले ले यार सही। अबे क्या लंबी कर जा रहा है यार, किससे बात कर भाई? नया सही नंबर ले ले भाई, तू रॉन्ग नंबर लेके बैठा हुआ है, या तो काशिफ को दे दे सिम। अबे तेरे को पहले नाम बताया, मैं मुजम्मिल बोल रहा हूँ मेरी जान, बोल तेरे को क्या। मुजम्मिल नहीं तो फिर गलत नंबर पे डायल कर दिया ना फिर तो। हाँ तो मैं मुजम्मिल हूँ, घंटे से तेरे को यही बोल रहा हूँ। बस सही है, ओके ओके नंबर सही ले ले भाई तू अपना। ओके चल, अब तुम कॉल करो। तुमने भी ये कहना है ये काशिफ से बात करनी है, ठीक है? गुस्सा है ना, इसको गुस्सा आता है ना। मोबाइल का बोलेंगे ना धीमा हो जाएगा। हेलो। हेलो आप काशिफ बात कर रहे हैं? काशिफ जी नहीं, कौन काशिफ? मुझे क्या बताओ, पता नहीं कौन हो तुम लोग। अच्छा आप गुस्सा ना करें, आपसे मैं पूछूं काशिफ हो गई यार, क्या हो तुम लोग यार, कहाँ से आए हो? अब तू आवाज बदल के कॉल कर, दोबारा कॉल कर रहे हैं इसको, इसको और गुस्सा दिलाना है। सही है। हेलो कहाँ है बेटा तू? काशिफ, काशिफ वह कहाँ है तू? फिर आगे किधर, किसने नंबर मेरा निकाल दिया, इधर आउट कर दिया है। तो तू काशिफ बात नहीं कर रहा? नहीं काशिफ बात नहीं कर रहा। मतलब गुस्सा क्यों दिखा रहा है तू, किस बात का गुस्सा है भाई? है तू बता, तू है किधर? अबे क्या गुब्बारा है क्या बेटा? गुब्बारा नहीं हो, गुब्बारे में भरने वाली ना सुनी हो तुम्हारी, भूल जाऊंगा ऑफ करना यही तुम्हारी। गलत बात कर रहा है काशिफ तू, गलत बात कर रहा है। गलत बात कर रहा है, मुजम्मिल बोल रहा हूँ, कौन काशिफ अपने का नाम है क्या यार? ये नंबर लिखा हुआ था मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लिया था तुमने? अबे तो मैंने लिया था, मुजम्मिल हूँ मैं। बॉस से बात करो, बॉस से इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लिया था ना, बात करो अब। हेलो। हेलो हाँ मुजम्मिल बात कर रहे हो? हाँ मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। हाँ मुजम्मिल ये गलती हुई थी, नाम काशिफ आ गया था लिस्ट में, लेकिन ये तुम बदतमीजी कर रहे थे लड़की से। अरे तो सर ऐसा थोड़ी होता, चौथी कॉल करके मेरे को काशिफ काशिफ बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ सर, अब इस तरह से थोड़ी होता है। मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कि गालियाँ लड़कियों को गालियाँ देते हैं, तुम्हें तमीज नहीं भाई? मैं ऐसा ही हूँ। तो मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा तुमने मोबाइल, अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने मोबाइल लिया था इंस्टॉलमेंट पे ना? हाँ लिया था। बस सही है, तुम्हारा आई में ब्लॉक कर रहे हैं हम। ओ भाई, ओ भाई कैसे ब्लॉक कर रहे हो? ब्लॉक कर रहे हैं, और गाली दे, और गाली दे तू। 2 लाख रुपए का फोन लिया है, कैसे कैसे ब्लॉक करेगा? लिया है ना, अब ये गाली, ये जितनी गालियां दी ना उस पे ये हो गया पूरा पैसा, पूरा हो गया। अबे तेरी अगर मोबाइल की आई नहीं बंद भी हुई तो? अभी बंद हो रही है बेटा, टाइम से भर रहा हूँ। आधे घंटे बाद चेक कर लेना अपना मोबाइल, ठीक है? कैसे बंद करेगा? चल सही, अभी चेक कर क्या होता है। ओके बस इसका कंटेंट इतना आ गया, काफी है, बहुत टाइट बंदा है। कौन है ये? ये तो पिछले कॉलर वाला टाइप आइटम है, इतनी गालियों वाला। गालियों में क्या क्या मजीद ये ऑल्ट्रेशन कर रहा था ये काफी। हाँ बहुत आला। खैर जी इसके साथ ही हम लोग जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस महफिल को, इस बैठक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज करा का शो, वी हैव अली एंड इमान विद अस, साथ दीजिएगा। Ha
हाँ जी वेलकम बैक वंस अगेन एंड सुशी थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन बोल एंटरटेनमेंट पाकिस्तान का नंबर वन एंटरटेनमेंट चैनल और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नंबर वन गेस्ट वी हैव अली एंड ईमान विद अस। ईमान तुम्हारे बारे में ऑब्वियसली हम जान चुके हैं काफी कुछ लेकिन अब मजीद जानना चाहते हैं कोई हिडन टैलेंट ऐसा है जो तुमने अब तक ना शो किया हो कोई जो आज तक मौका ना मिला हो टीवी पे तुम्हें मौका मिलेगा आज टैलेंट मतलब ऐसा कुछ सिंगिंग वगैरह नहीं सिंगिंग का शौक नहीं है पहले मैं हेयर स्टाइलिंग करती थी ठीक है तो मुझे सब देख के कहते थे कि तुम हेयर स्टाइलिंग करो ये तुम्हारा पैशन है ये तुम इसको कर सकती हो तो जब मैंने बनाना शुरू किया पोस्ट करना शुरू किया तो सबको वाकई पसंद आया। भाई तुम सिंगर भी हो तुमने कुछ देर पहले मुझे ये इंकशाफ हुआ था मुझे कि तुम गाते हो बिल्कुल सो मैं चाहता हूँ कुछ सुनाओ कुछ मजेदार सा। ख्वाहिश मेरी आतिश बनी क्या क्या मगर साजिश बनी छिने कोई सांस मेरी लूट मेरा चैना सुना लगे मन व मेरा बुझने लगे नैना जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तजा कोई चांद रख मेरी शाम पर मेरा दिल जले तेरे नाम पर। वाह 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 बहुत ज्यादा यार कमाल। तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर राहत अली खान। राहत अली खान साहब। अच्छा अब हम लोग जा रहे हैं आउटडोर सेगमेंट की तरफ। आउटडोर कटाकट भी इस शो का पार्ट है बहुत अहम पार्ट मेरे है। साथ तो हो चुका है। तुम्हारे साथ तो हो चुका है तुम्हें तो पता है। सो अभी क्या गेम होने वाला है आउटडोर देखते हैं जी कैमरा इस वक्त कहाँ लगा हुआ है और किसके साथ किसका कटाकट बनने वाला है। रिप्ले सही नहीं है। चलो भाई कैफे में लगा दिया कैमरा। वाह मेरे शेर। तो उसामा असलम को कॉल करते हैं ऋषि के साथ कुछ करवाते हैं क्या ख्याल है? मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी उसने। तुम कूल रहो दो मिनट रुको यार कॉल आ रही किसी की। और यार मैं एक जरूरी बात कर रही हूं तुम्हारी अपनी कॉल। दो मिनट रुक जाओ। उसामा मैं जो जो कहूंगा तुम्हें करना होगा क्योंकि कटाकट शो इस वक्त चल रहा है और कैमरे लगे हुए हैं टीम हमारी वहां पे मौजूद है। रेहान को हमने लूप में ले लिया मुझे अभी पता चला। अरे रुक जाओ अरीशे। और इस वक्त तुम हमारे कब्जे में हो यानी कि हम जो बोलेंगे तुम्हें वो करना होगा। तुम्हें हमारी आवाज क्लियर आ रही होगी सो तुम्हें करना वही होगा जो हम कहेंगे। किससे बात कर रही हो? यार दोस्त से करना है। काशिफ भाई गफूर और रेहान प्लांटेड हमारा अमिताभ बच्चन की जवानी पहुंच गया। रेहान एक रायता भी कर दे। एक रायता भी कर दे। और बताओ ऋषि कैसी हो तुम? अच्छा वैसे हमारे साथ रेहान कनेक्टेड है जो मैंने बताया ना हमारा अमिताभ बच्चन वो कनेक्टेड है। उसको हमने ये बोला है कि कुछ भी ऑर्डर देंगे तुम्हें कच्चा लेके जाना है। अच्छा मतलब सेलफोन में लगी हो तुम ये यार वेजिटेबल आ गई ये आपका चिकन आ गया। अरे क्या जबरदस्त सलाद लाए हो यार। हाँ उसामा खाना है खीरा खाना है तारीफें करो खाओ ये। अरे सैलेड है खाओ ये चिकन है बेटा। यार रेहान ज्यादा अच्छा एक्ट कर रहा है यार कमाल। ये कौन सी चिकन है कच्ची है? खिलाओ 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 इसको अरिशे के खिलाओ। अबे ठंडा है। मैं चली जाऊंगी क्या तमाशा कर रहे हो दिमाग से। जैन भाई जो सामा से बोले कच्ची चिकन जो रखी हुई ना ये खाए इसको। कच्ची चिकन कैसे खाएगा वो? बोल दें आप बोल दें तो नहीं इतना खतरनाक बोले तो एक काम करो उसामा ये जो कच्चा चिकन बड़ा है ना खाओ। नहीं अमीन एक काम करें एक जूस ले जूस इंसानों वाला। अच्छा उसामा ये जो ऑरेंज जूस अभी इसने मंगवाया ना रिशन है हम रेहान ऑब्वियसली हमसे कनेक्टेड है तो हमने रेहान को बता दिया चिली जूस है वो। मैं जा रही हूँ। अच्छा खाओ निकलते हैं। स्पेशल जूस आ गया। अच्छा उसामा इस जूस में ना हमने चिली डाला हुआ है पीने दो उसको पीने दो। तुम पियो तारीफ करो चुप चुप सीरियस रहो यार हंसो नहीं। तुम पियो पियो तुम। मैं नहीं पी। अरे ये लाल मिर्चों का जूस है। स्मेल सच में नहीं आ रही। पियो 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 पियो। रेड चिली इज माय फेवरेट। बिगाड़ आते आते बच गए। YouTube पे सर्च करना
कि लाल मिर्चें सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं। अब प्रपोज करवाते हैं इनको। कैसे प्रपोज करवाएं, तो खा रहे हैं कच्चे चीजें। अब इन्होंने जूस मंगवाया है तो हम स्ट्रॉ से करवा लेंगे, स्ट्रॉ तो आएगा ना। स्ट्रॉ को फूल बना के यूं बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कर लेते हैं। इसे स्ट्रॉ के थ्रू तुमने प्रपोज करना है, समझ लो ये स्ट्रॉ एक गुलाब का फूल है और उसको प्रपोज करो। अच्छा अभिषेक तुमसे कुछ कहना है, लोगों के सामने तमाशा बना रहे हो तुम मजीद ज्यादा। तुम्हें कुछ कहना मेरा दिमाग है, दिल की बात करनी है। अभिषेक लोग देख रहे हैं ना उनकी हरकतें। आई लव यू। फूल नहीं है, फूल नहीं है, प्यार करता हूँ तुमसे। तो मैं भी ऐसा सिस्टर वाला प्यार कर रहा हूँ। मजा आएगा। आज का शो यहीं पे फाइनली खत्म होता है और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों शो में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा जरूर इंशाल्लाह बुलाऊंगा। एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ भी कहना चाहते हो जाने से पहले, सामने तुम्हारा कैमरा, बोल दो। कुछ भी नहीं, बस यही कहना चाहूंगा कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। वेरी गुड, आप क्या कहना चाहोगी? मुझे बस यही कहना है, किसी को भी कुछ भी अगर शौक होता है अपने काम करने का तो वो ऑब्वियसली अपनी फैमिली को बताए कि मुझे ये काम करना है, तो अपनी फैमिली को ट्रस्ट में दे, देन उसके बाद वो कोई ऐसा स्टेप ले, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा आपके रिलेटिव भी इतना कुछ करते हैं आपके साथ, बुरा करते हैं, मतलब आपको कामयाब आगे नहीं होते हुए देख सकते। ठीक है, मेरे खुद के रिलेटिव्स कुछ ऐसे हैं, तो जो भी काम करें अपनी फैमिली को ट्रस्ट में लेके करेंगे ना, तो आप हर जगह मतलब कामयाब हो सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। लग रही है मुझे हमारी हाँ, मसला है अच्छा है फूफी की बेटी, लड़का बेटा, फूफी का बेटा, खाला का बेटा। मैं यहाँ बता के इनको फेमस क्यों करूँ? देखा, खैर जी ये बातें चल रही हैं और ये इस तरह चलती रहेंगी। आप तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, शो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अच्छा लगा तो कोई टेंशन की बात नहीं, अगले हफ्ते फिर आ जाऊँगा। इनफैक्ट आज रात 10 बजे फिर आ जाऊँगा। स्टार रैपर जरूर देखिएगा, आज के भी कमाल का शो आने वाला है, कमाल की परफॉर्मेंस होगी, जरूर देखिएगा। आप लोगों का फीडबैक मुझे मिल सकेगा थ्रू फेसबुक, इनफैक्ट थ्रू इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे @zenlife फॉलो करें, ये दिए गए एड्रेस पे @bolentertainment फॉलो करें, AM से PM अपने DM भेजें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मजीद सवाब हासिल करें। आज की महफिल यहीं पे खत्म होती है। Zen is finally signing from the hot box of Bol Entertainment. God bless you all, God bless Pakistan, and finally, Firman Allah.